काफी देर हो गई थी, आए नहीं थे क्या? काफी देर हो गई थी, इस प्रोग्राम में आए नहीं थे, इसलिए कह रहा हूँ जी। कहाँ से काबू कर लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, प्रोग्राम क्या है आपका? ये तय हो जाए बात तो फिर मैं वापस जाऊँगा, इसी का इंतजार हो रहा है। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, बस वो रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी, वहाँ से रब्बा से कज़ा का फैसला मंगवाना। ठीक है, उसमें देर लगती है। शुरू करें। सर, जर्मनी से एक नौ अहमदी दोस्त ने, जिन्होंने एक साल पहले बैत की है, ये सवाल भिजवाया है। वो लिखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, और तर्जमा है कि ऐ ईमानदारो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की और अपने फरमाबरदारों की भी, फरमा रवाओं की भी इताअत करो। उनका सवाल ये है कि अपने फरमा रवाओं से कौन लोग मुराद हैं? जो भी फरमा रवा हों, जिस मुल्क में एक हुकूमत मुस्तहकम हो चुकी हो, उसके शहरियों का फ़र्ज़ है उस हुकूमत की नाफरमानी ना करें, सवाए इस सूरत के कि वो बराह रास्त उनके दीन में दखल दे और मजबूर करे कि तुम कलमा हक छोड़ के फलां कलमा कहो या इबादत से रोके। तो उस सूरत में अल्लाह ने इसी आयत में आगे जवाब दिया हुआ है, इन तनाज़ा तुम फी शैन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम आपस में इख्तलाफ करो तो यहाँ उलुल अम्र ज़ाहिर है, क्योंकि रुद्दू उलुल अम्र नहीं फरमाया, उलुल अम्र को छोड़ दिया है, ज़ाहिर बात है कि जो इख्तलाफ है उलुल अम्र से है, और इस नौयत का इख्तलाफ है कि उसके लिए उसका फ़ैसला दीन से होना चाहिए, फिर दीन ही तुम्हारा फ़ैसला करेगा, अल्लाह और रसूल से बरह रास्त तो नहीं पूछते लोग। आम सलम तो विसाल पा चुके हैं, का विसाल हो चुका है, अल्लाह ताला से हर शख्स कलाम करने की हैसियत ही नहीं रखता। तो अल्लाह से मुराद अल्लाह का फरमान ही कुरान करीम है, रसूल से मुराद सुन्नत रसूल है। तो सुन्नत और कलाम इलाही पर लौटाओ मामले को और उसके फ़ैसले के मुताबिक काम करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जो लोग पीछे रह गए उनको मक्के में रहते हुए उनके मुल्क के कानून सीखने की इजाज़त नहीं दी, वहाँ हिजरत कर जाओ। तो इसलिए यहाँ मुशरिक या गैर मुशरिक, मोमिन गैर मोमिन की बहस ही नहीं है, लेकिन जहाँ वो ये कहते थे इबादत नहीं करनी या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ना, वहाँ रसूल सल्लम का यही हुक्म था कि यह तो खुदा का काम है और उसी इसका फ़ैसला खुदा ही करेगा, इन बंदों को इजाज़त नहीं है। इस पहलू से वो कलमे पढ़ते रहे और तकलीफ़ें उठाते रहे, इबादत करते रहे और उनकी गदोकूब बर्दाश्त करते रहे। तो ये बड़ा वाज़ह है, ये कुरान करीम की आयत और जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लम है उसकी रोशनी में कोई ऐसा मसला नहीं जो हल तलब हो या काबिल फिक्र हो। أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والجبال أوتادا اور پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گڑا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة اور زمین میں پہاڑ اس ڈر سے ڈال چھوڑے ہیں کہ وہ تمہارے سمیت شدید زلزلہ مبتلا نہ ہو جائیں وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم اور اس نے زمین میں محکم پہاڑ بنائے اس وجہ سے کہ متحرک ہوتے ہوئے تمہیں چکر پر نہ ڈالیں۔ تو حضور اس کے متعلق سوال یہ ہے کہ جہاں جہاں پہاڑ ہیں وہاں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہاں زلزلے آتے ہیں۔ اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ میں پہلے اس پر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں اور ایک دفعہ سے زائد، اور اپنے ترجمہ قرآن کلاس میں بھی میں بات کر چکا ہوں کہ مجھے اس ترجمے سے اتفاق نہیں ہے کہ پہاڑوں کے مبادہ پہاڑ تمہیں زلزلے میں نہ مبتلا کریں، کیونکہ زلزلوں کے لیے پہاڑوں کا ہونا ضروری ہے ہی نہیں، وہ تو پلیٹس کے ٹکرانے سے زلزلے آتے ہیں، جو سمندر کے اندر باہر نکلے ہوئے پہاڑوں کی بات نہیں ہو رہی، سمندر کے اندر پلیٹس ہیں، کانٹیننٹل پلیٹس جو چلتی ہیں، اٹکتی ہیں کہیں اور پھر چھوٹتی ہیں، تو اس سے زلزلے آتے ہیں، اور آتش فشاں بھی ہیں، مگر ہر پہاڑ تو آتش فشاں نہیں، اکثریت پہ تو اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ پھر
अंतमीदा बेकुम के मुबादा तुम जलजले में मुबतला हो, हालांकि पहाड़ खुद जो जेर ज़मीन समंदर के अंदर हैं वो भी पहाड़ी होते हैं जो जलजला लेके आते हैं, और जो ज़ाहरी पहाड़ हैं उनमें आतिशफशां भी होते हैं। तो इस सारे मज़मून को इस तरह देखें तो ये तर्जमा दुरुस्त बैठता ही नहीं। अव्वल तो सारे पहाड़ आतिशफशां नहीं हैं, खुद जलजले की पैदावार हैं, और जो आतिशफशां पहाड़ हैं वो अक्सर समंदर में डूबे हुए हैं, उनकी तरफ कुरान करीम इशारा करता दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए और इन पहाड़ों के को पैदा किया कहीं तुम जलजले में मुबतला ना हो, हालांकि जो ज़ाहिर दिखाई देने वाले जलजले हैं वो ज़्यादातर पहाड़ों से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और जो ज़ेर ज़मीन प्लेट्स चलती हैं उनमें भी उनके ऊपर पूरे के पूरे पहाड़ उठे हुए हैं। तो इन सारी बातों को देखकर कोई ऐसा तर्जमा होना चाहिए जो दिल को तसल्ली दे और वाक़ियात के मुताबिक हो। अंतमीदा बेकुम का एक मतलब है ताकि तुम्हें ले के घूमे नहीं, और दूसरा तर्जमा यह है कि ताकि तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान करे, तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछाए। और ये तर्जमा कुरान करीम की इस आयत के साथ ना सिर्फ मुताबकत रखता है बल्कि बहुत ही लाजिमन उसके साथ ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मान बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके बाद खुदा ताला ने तुम्हें इससे बारिशें उतारी और तुम्हारे लिए खाने पीने के सामान किए। तो अंतमीदा बेकुम का तर्जमा पहले हिस्से से भी ताल्लुक़ रखता है, दूसरे से भी ताल्लुक़ रखता है। पहाड़ अगर ना हो तो ना पानी का निज़ाम चल सकता है ना ग़िज़ा का निज़ाम चल सकता है। 100% क़त'ई तर्जमा है, इसमें आतिशफशां गैर आतिशफशां की बहस कोई नहीं। पहाड़ों का वजूद ज़िंदगी की बका के लिए लाजिम, तमाम इंसानी बल्कि ज़िंदगी की खुराक का ताल्लुक पहाड़ों से है, और उनके होने की वजह से पानी जो ऊपर चढ़ते हैं वापस आते हैं, वरना कभी ना आए वापस, फिजाओं में गायब हो जाए सब कुछ। तो ये सारी बातें बता रही हैं कि अंतमीदा बेकुम का दूसरा तर्जमा है जो मुनासिब है, और ये तर्जमा पिछले उलमा में से बाद में बावजूद इसके कि साइंस का उनको इल्म नहीं था, उन्होंने ख़ुद किया हुआ है बाज़ पुराने बुज़ुर्ग उलमा ने कि अंतमीदा बेकुम से मुराद दस्तरखान बिछाना, खाने का इंतज़ाम करना है। फरमाइए में है कि रब्बुल आलमीन तमाम जानों का रब है, इसके बारे में हज़ूर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जहान कौन कौन से हैं, क्या हमारी दुनिया की तरह बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ सर। अच्छा, जी पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में कि ये दुनिया हमारी दुनिया की तरह की मखलूक और भी कहीं हैं या कि आलमीन जी मखलूक जिंदा मखलूक की बहस तो नहीं है जी, हर चीज़ जो मौजूद है कायनात, और आलमीन से मुराद मालूम चीज़ें, और इसीलिए कायनात कहते हैं। और मालूम चीज़ों का जहाँ तक ताल्लुक है, हर शख्स के इल्म के मुताबिक उसकी कायनात बदल जाती है। एक कीड़े की कायनात और है, क्योंकि उसका आलम उतना ही है जितनी उसको सलाहियत है समझने की या इर्द गिर्द महसूस करने की। जो अंधे मकोड़े फिरते हैं जैसे दीमक, उनका एक और आलम है, और अपने अपने आलम में वो रब्बुल आलमीन पाती हैं सब चीज़ें। बस आलम का ताल्लुक आलिम से है, आलिम का मतलब है इल्म रखने वाला, आलम से मुराद है जिसका इल्म हो। बस सवाए अल्लाह के कोई हकीकी आलिम नहीं है, और अल्लाह के वेंटेज पॉइंट से सारा आलम हमेशा मौजूद रहेगा जब तक वो है, और बाकी जितने आलिम हैं वो आए तो आलिम वजूद में, आलम वजूद में आ गया, गए तो ख़त्म, हर एक आलम उसके साथ ही मिटता चला जाता है। और साइंसदानों ने फलासफर ने यह बहस उठा ली कि चूँकि आलम का ताल्लुक इंसानी फिक्र और सोच से है, इसलिए आलम हमारे दिमाग में ही है, और हमारे पास कोई यकीन नहीं है कि बाहर की दुनिया बसती भी है कि नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग में भी फ़र्क है,
कोई पागलपन में एक आलम बना बैठता है, उस पर पूरा यकीन रखता है कि आलम इसी तरह है और उससे डरता उन चीज़ों से, उनकी तरह दबकता अगर पसंद है, तो हमें क्या पता कि ये आलम है भी कि नहीं। आलम आलिम से वाबस्ता है, ये बहस है जिसको उठाकर, क्योंकि इंसानी जो वेंटेज पॉइंट यानी वो मकाम जहाँ से वो देख रहा है वो गैर मोतबर है, वो इंसान इंसान के लिहाज से फ़र्क है। एक इंसान एक चीज़ को और तरह देख रहा है, एक और तरह देख रहा है। एक इंसान आज एक तरह देख रहा है, कल दूसरी तरह देख रहा है। इसलिए इंसानी जाविया निगाह या उस मकाम से जहाँ से वो नज़ारा कर रहा है, कोई आलम भी हकीकी नहीं रहेगा, गैर मोतबर हो जाएगा। सिर्फ एक आलम अल्लाह है, तभी बार बार कुरान करीम आलिमुल गैब व शहादा फरमाता है, जिसके वेंटेज पॉइंट से हकीकत दिखाई देती है, और या वो बातें जो ख़ुद हमें बता दे वो हकीकत बन जाती हैं, क्योंकि एक काबिल एतमाद नज़र रखने वाला जो इल्म बंदों को पहुंचाता है वो उसी तरह काबिल एतमाद होता है। तो ये आलम की बहस है। अब आलमीन में आप किस आलमीन की बात कर रहे हैं? एक बनी इसराइल के का आलम भी था, उसमें हज़रत मरियम को आलमीन पर फजीलत दे दी गई। बनी इसराइल को बार बार फरमाया कि उनको सारे आलमीन पर फजीलत दे दी, तो मुसलमान बाद में फिर क्या करने आए, जबकि वो सब जहानों के नबी भी नहीं थे हज़रत मूसा। और रसूल सल्लम जो रहमतुल आलमीन करार दिए गए और जिनको फरमाया कि तो ऐलान कर दे कि या बनी आदम ना या कुल या यूहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, कह दे कि ए इंसानों मैं तुम सब की तरफ इज्तमाही तौर पर तमाम तर के लिए रसूल हूँ। तो आलम बदलता है तो फिर ये इन बातों का माने समझ आते हैं। अगर आलम का एक ही माना लिया जाए तो ये मतजाद बातें हो जाएंगी। एक तरफ यहूद को सारे जहानों पर फजीलत दे दी, दूसरी तरफ उनको सारे जहानों के लिए भेजा ही नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लम को सारे जहानों का रसूल बनाया, और आपकी उम्मत गोया के यहूद की उम्मत से भी कमतर हो गई, क्योंकि आलमीन से मुराद सारे आलम ले लिए जाएंगे। फिर ये दुरुस्त नहीं है। आलमीन हर नुक्ता नज़र और हर मकाम से देखा जाएगा, जिस मकाम से कोई देखा देख रहा है चीज़, उसकी जो यानी क्या कहते हैं इसको वेंटेज पॉइंट को उर्दू में, जाविया निगाह नहीं, जाविया तो नुक्ता निगाह, जाविया एक ही चीज़ है, वो जगह जहाँ से वो देखता है, वो मसरद जिसे बैठकर वो नज़ारा कर रहा है, वो फैसला कुन होगा कि उसका आलम क्या है। और अगर एक से ज़ायद लोग हों, कौमें हों, तो कौमों का इल्म उनके आलम की बात करेगा, उनके आलम उनके आलम का तसव्वुर बनाएगा। हिंदुस्तान में एक लंबे अरसे तक यही ख्याल था कि सिर्फ हिंदुस्तान ही है और कुछ है ही नहीं, उनका सारा आलम वही था, उनके आलमीन भी वही थे, समझे जी? यही पूछना चाहते थे। चौधरी इजाज़त साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया से जी। आपकी बेगम साहब पूरी होम्योपैथ बन गई है कि नहीं अभी? अभी कुछ बन गई है, कुछ हो रहे हैं, कुछ बहुत तजुर्बे होते हैं है, आप पर भी जी, मुझ पर तो सबसे ज्यादा बच गए, बच जाते हैं आप अलग फल से? नहीं जी, बहुत फायदा होता है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है। हर घर में डॉक्टर बन गया खुदा के फल से जी। अच्छा, ज़ुबैदा बेगम, ज़ुबैदा नाहिद जी, हाँ, एक ट्यूबरकुलोसिस केस आया, बायलैटरल ट्यूबरकुलोसिस विद कैविटीज, स्पूटम इन ब्लड इन स्पूटम और टेम्परेचर। मैंने उसका नुस्खा लिख दिया, वो कहने लगे मैं तो बड़े गरीब हूँ, तो उनसे दवाइयाँ ली, ट्यूबरकुलिन बेसिलिन में कुछ और, और वो इस्तेमाल की, महीने के बाद आई, पहचानी ना जाए, बिल्कुल ठीक ठाक थी, क्या ब्लड गई। आइए हजूर, ये औरतें ज़्यादा बन रही हैं पैर, वो बड़ी मेहनत से, हाँ बड़ी मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह जी।
हजूर, ये हाथ की लकीरों के बारे में आप एक दो दफ़ा से ज़ायद बता चुके हैं, लेकिन मेरे जहन में अभी एक थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जो पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जब इनको देखते हैं सरसरी तौर पे हमें, तो इसमें कोई ख़ास निज़ाम काम करता नज़र आता है। ये तो लकीरें उम्र के लिहाज से बदलती भी हैं, और ये जो अंगूठा लगवाया जाता है इसकी लकीरों से शिनाख्त भी की जाती है। तो अल्लाह ताला, ये दो बातें मुतज़ाद हो गई आपकी, उम्र के लिहाज से बदलती भी हैं और अंगूठा लगाया जाता है। हाँ, ये दो बातें मुतज़ाद हो गई हैं। बहरहाल अगर उम्र के लिहाज से बदलती हैं तो अंगूठे का एतबार क्या रहा? हुज़ूर, कुछ यही चीज़ें हैं जो मैं वजाहत चाहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने हर चीज़ जो है किसी फ़ायदे के लिए पैदा की है, बेवकार नहीं की है। तो हमें इसका कुछ समझ आए या ना हो, लेकिन इसमें कोई कानून तो कार फरमा है, या इसका कोई इलम तो होना चाहिए। क्या इस पर डिपेंड मतलब किया जा सकता है कुछ? अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो बनाई है उसके फ़ायदे भी तो गिनवाए हैं जी, हाथ पाँव के फ़ायदे नहीं बताए हुए? तो अल्लाह ताला ने ये भी तो हुज़ूर कहा कि हाथ की लकीरों के भी फायदे हैं। ये लिखा हुआ कहीं जी? कहाँ लिखा हुआ? मैंने तो लिखी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा कहीं? हुज़ूर, मेरा मतलब ये था कि फायदा के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, जब चीज बनाई है तो इसका फायदा मुझे समझ आए या ना आए, फायदा तो फायदा है। एक फायदा तो समझ आ गया ना लोगों को जी, कि मुजरिम पहचाना जाता है, उसकी स्टैंप है, और ये फायदा तभी मुमकिन है अगर लकीरें बदले ना। अगर बदल जाए तो ये फायदा हो ही नहीं सकता। ये कतई फैसला है जो सारी दुनिया के कानून को मुसल्लम है। फिर ये जो लकीरों का मामला है, इसके ऊपर जो तहकीकात हुई हैं उनमें एक चीज़ तो साइंसदान नहीं समझ सके कि ये इतने कतई और पुख्ता क्यों हैं, और हर एक की लाजमन क्यों तब्दील होती हैं, जुड़वा की भी बदल जाती हैं, और इनका एक पैटर्न है। तो उस पैटर्न का मिजाज से कोई ताल्लुक है कि नहीं, ये बहस तो माकूल और साइंसी है और ये उठाई भी जाती है। और वो जब लकीरों की बहस करते हैं तो सिर्फ अंगूठे या उंगली की लकीरों की नहीं, बल्कि रिजिस जो हैं सॉफ्ट इंसान के अंदर, वहाँ जो लकीरें हैं उनको भी देखते हैं और कहते हैं उनका भी एक पैटर्न है। तो साइंसदानों का ये ख्याल है जो अब तक, यानी जो तोहमात से अलग होकर गौर करने वाले लोग हैं, कि इसका मुमकिन है कि इंसान की जो शख्सियत है वो उसकी तहरीर हो हाथ पर, और लकीरों का उसकी शख्सियत से ताल्लुक़ हो। ये एक महज इजहार ख्याल है, अभी तक साइंसदानों को कोई ख़ती तौर पर ऐसी चीज़ नहीं मिली। अगर ये बात दुरुस्त है तो जितने जायचे वाले और वो जो किस्मत लेने वाले हैं वो सारे झूठे निकलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ जो किस्मत देखने का तरीक़ा है वो चंद सितारों के साथ उनके जो उंगलियों के उभार हैं वो वाबस्ता हो चुके हुए हैं, और उन लकीरों के मुताबिक वो उनकी मौत के फैसले करते और ज़िंदगी के और हादसात के। जो साइंसदान बात कर रहे हैं उसका इससे कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि बच्चा माँ के पेट में जब लकीरें बन रही हैं तो उस वक्त उसके सारी चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकती हैं उन लकीरों से ताल्लुक ही नहीं रखती। हादसात हैं और इत्तफाकी बीमारियां हैं, तब्दीलियां हैं, अमारत है, गुरबत है, इन सारे चीज़ों का उस बच्चे उस जनीन से कोई ताल्लुक नहीं है जो पैदा हो रहा है। सिवाय इसके अगर हमने किसी ताल्लुक को कायम करना है, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ने हाथों के अंदर हर शख्स की इनफरादी तकदीर लिख दी, ऐसी सूरत में ये लकीरें काबिल एतमाद हो जाएंगी, और इल्म गैब है जो इसमें मुंदरज है। अगर ये होता
तो कुरान करीम का को चाहिए था कि कहता कि तो अपनी हाथ की लकीरें देखो, उसमें तुम्हारी सारा मुकद्दर लिख दिया गया है, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी शादियाँ ब्याह वगैरह। और रसूल सल्लम ये क्यों कहते हैं कि जो हाथ दिखाता है और देखता है दोनों पे लानत। अब बताएं बस जी जवाब लानत के बाद कुछ नहीं रह जाता, यही जवाब है। हाँ, दुरुस्त, दोनों पे लानत है। इस तरह ज़हन आए कैसे पनिशमेंट की तरफ? फ्रॉड जितने हैं वो इस तरह की जगह की राशि सोचते रहते हैं, रोजी का जरिया है उनका। असल बात यह है कि आगाज जो है वो फ्रॉड से नहीं हुआ करता, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो फ्रॉड बन जाता है। आगाज इस जो है वो गालबन वो जो अरबों में रिवाज था कि बाप और बेटे को एक दूसरे से मुंसलिक करने के लिए उन्होंने कोई तरीक सोचे हुए थे। अगर किसी की विलादत पे शक हो तो जो माहरीन थे वो पाँव देखते थे और पाँव की साख्त देखकर वो बताते थे कि ये उस बाप का बेटा है कि नहीं है। और अक्सर पाँव की साख्त बहुत टेल टेल होती है, और ये जो है इसको किस्मत पढ़ना नहीं कहते, ये माजी पढ़ना है, मुस्तकबिल नहीं है। कभी भी ये रिवाज नहीं हुआ कि वो पाँव देख कर कहें कि ये फलां वक्त मर जाएगा, फलां वक्त हादसा हो जाएगा। वो ये कहते थे कि इसकी शनाख्त इसके पाँव में इसलिए दर्ज है कि पाँव अमूमन अपने माँ और बाप के पाँव का नकूश ज़रूर लेते हैं और बिल्कुल वाजे पहचाने जाते हैं, उनकी रिजिस, उनके अंदर का खम, और ऐसी बहुत सी बातें थीं। और वो बहुत माहिर थे इस फन के, इसलिए उन पर एतमाद किया जाता था। इस चीज़ से फिर हाथों की जो साख्त है उसकी तरफ भी तवज्जो पैदा हुई। और ये दोनों बातें सिर्फ हलाल और हराम की बहस में नहीं आई कि बेटा जायज़ है या नाजायज़ है, बल्कि मिजाज में दाखिल हो गई। एक इंसान का हाथ मखरूती है, लंबी उंगलियां हैं, नाजुक हैं, तो गौर करने वालों ने देखा कि ये आम तौर पर आर्टिस्ट में पाई जाती हैं। एक आदमी का हाथ चौड़ा और मज़बूत और छोटी उंगलियां हैं तो ये उमूमन काम करने वाले और ज़िम्मेदार जो हाथ से काम करते हैं उनके इस किस्म के हाथ होते हैं। पाँव भी अपने पेशे के लिहाज से जो लंबा अरसा जारी रहे एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो फिर आगे चलती चली जाती है। और अगर किसी के हाथों में ये उभार ज़्यादा हों तो उसके जज्बात भरपूर होंगे। एक आदमी फ्लैट मिजाज का हो, अक्सर देखा है उसके हाथ ही फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फट्टा जैसे हाथ, वो तबीयत को मुनक़िस भी कर रहे होते हैं या बीमारियों को मुनक़िस कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि तबीयत ही हो, बाद बीमारियों से ये जो उभारों के गोश्त हैं ये खाए जाते हैं और हम उनको देखकर हाथों की तरस को देख लेते हैं कि ये फलां बीमारी का मरीज लगता है। तो ये जो माकूल साइंटिफिक जो मुशाहदात थे, यानी साइंस और अक्ल पर मबनी, उनसे आगाज़ हुआ होगा, ज़ाहिर बात है। और कुछ इस मिजाज को पढ़ने के नतीजे में मुस्तकबिल में कुछ छलांग लगाई जा सकती है। एक आदमी अगर हाथों को देखकर पता लगे कि बदखू है तो कोई आदमी कह दे कि इसकी तलाक हो जाएगी तो कोई बेईद नहीं, क्योंकि वो मिजाज से एक मुस्तकबिल का भी ताल्लुक हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये रफ्ता रफ्ता तवहामात में ले जाती हैं और फिर वो मसनूई तौर पर मुस्तकबिल के राजदान और हाथों को पढ़ने वाले पैदा हो जाते हैं। उनको अपने मुस्तकबिल का नहीं पता होता, उनसे आप पूछें कि जनाब आपके साथ क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता लगेगा उनको, सब झूठ है, सिर्फ फ्रॉड है, पैसे कमाने का जरिया है और कोई भी उसमें हकीकत नहीं है। जो असल फ़न था वो भुला दिया। जो असल फ़न है उसमें ये साइंसी लिहाज से मुशाहदात थे। चुनाचे सबसे पहले ये हाथों उंगलियों हाथों की लकीरों का यकसां होना ये अफलातून ने मालूम किया था और उस वक्त से फिर ये सिलसिला चला आ रहा है। उसने नोटिस लिया था कि जो हाथों की उंगलियों वगैरह की लकीरें हैं
अंगूठे उंगलियों वगैरह की ये यकसान ही हुआ करते हैं। तो गहरे गौर करने वाले लोग थे, फलसफे वो दौर ही बड़ा अजीम था फलसफे का, और इन सब बातों पर उन्होंने गौर करके बाज मुशाहदात किए थे जो आज तक सच्चे निकले हैं। ठीक है, इसलिए मिजाज के मुताबिक अगर मज़ीद तहकीक करनी है तो ये एक इल्मी मज़मून है, इसमें आप कर सकते हैं। हर एक हाथ का मुतालिया उसके मारूफ मिजाज के पेश नज़र, तुकबाजी के लिए नहीं, बल्कि पहले आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चा किस किस्म का था, बड़ा किसका किस तरह हुआ, इसके मिजाज में क्या उनसर गालिब था, शौक़ क्या हैं, ज़ौक कैसा है, शायर है या गैर शायर, ये चीज़ें वगैरह वगैरह। हाँ, ये सारी चीज़ें पहले मिजाज की लिख ली जाएं, फिर हाथ को आइडेंटिफाई करके उसको एक एक हिस्से को लिखा जाए कि इसका हाथ इस जगह से ऐसा है, इस जगह से ऐसा है, उसके अंदर गहराव गहराई इतनी है, उंगलियों की लंबाई बाकायदा मेजर की जाए, उनकी मोटाई मेजर की जाए, उनके खम के नक्शे बनाए जाएं, और कसरत से ये तहकीक हो, कम से कम 1000 आदमी पर ये तहकीक हो, और फिर जो पैटर्न उभरे उसको साइंस कहते हैं। फिर हम यकीन से कह सकते हैं कि इस किस्म के हाथ इस किस्म के मिजाज की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके पीछे एक पूरा डेटा होगा एक तहकीक का, वरना बाकी बातें सब यूँ किस्से कहानी है। हम आइए, अच्छा आपकी बोलिए, इनकी बारी आ गई, खाले साहब की, माशाल्लाह। ये जनरल क्वेश्चन है हजूर जी कि अगर दो अफराद बैठे कोई बातें कर रहे हों और किसी तीसरे फर्द के मतलब जो वहाँ हाजिर ना, फर्द के ऊपर आपने क्यों इतना जोर डाला हुआ है, दो आदमी कह दें। हाँ जी, दो आदमी, फर्द से मुराद औरत, औरत भी तो हो सकती है। अच्छा, आदमी भी औरत होती है, बालों की औरतें ज्यादा आदमी होती हैं। शख्स कह दें चले। शख्स है जी, दो शख्स, दो शख्स आपस में बातें कर रहे हो किसी तीसरे शख्स के मतलब जो वहाँ मौजूद ना हो, और अभी बातें शुरू ही की हों तो वो तीसरा शख्स भी आ जाए, तो बाज़ दफ़ा हमारे सोसाइटी में इसलिए कहा था कि जो लफ्ज़ फ़र्द है उसकी जमा अफराद बनानी पड़ती है आपको। हाँ जी, और अफराद दो पर नहीं इतलाक पाती, फ़र्दैन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये मुसीबत जो पड़ी हुई है जमा करने और रिवायत करने की, शख्स में नहीं होती, वो तो मर्द में भी नहीं होती। ठीक है, दो आदमी में भी नहीं होती। ठीक है, दो आदमी हों एक आदमी, दोनों जगह आदमी लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक है ना, सही। चले, तो उस वक्त अगर तीसरा आदमी आ जाए आपके उसके मतलब बाद में शख्स, आप तो बड़े घबराए हुए थे कि बेगम आप इतराज़ ना कर दें। माशाल्लाह जी, तो वो तीसरे शख्स भी आ जाए जिस जिनके मतलब बात शुरू हुई थी जी, तो जो पहले दो शख्स थे वो अमूमन हमारे पाकिस्तान या हमारी सोसाइटी में कहते हैं जी माशाल्लाह आपकी उम्र बड़ी लंबी है, आपके मतलब बात शुरू की थी हमने, तो इसकी कोई बैकग्राउंड है या वैसे ही ऐसे? इसकी दो बैकग्राउंड्स हैं, एक ये है और एक ये है कि थिंक ऑफ द डेविल एंड देयर ही इज, शैतान का तसव्वुर करो तो वो आ जाएगा वहाँ। तो दोनों हैं, बाद बद आदमी आ जाता है तो आदमी मुसीबत महसूस करता है और उसकी बात कर रहा है लेकिन उससे छुपा भी रहा है फिर। नहीं मतलब नेक अगर मसलन आ जाए तो उम्र उसकी लंबी नहीं होगी, इससे बड़ी जहराना बात हो ही नहीं सकती, समझे, उसका उम्र से क्या ताल्लुक हुआ। ठीक है, ऐसे आमतौर पे कहा जाता है ना, इसलिए मेरे ख्याल से शायद इसकी कोई बैकग्राउंड हो, कोई बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कुछ भी नहीं। ये तो बड़ा अच्छा उम्र का नुस्खा है, किसी को कि वो आने वाले उसकी बातें शुरू कर दो। हाँ, ये शैतान पर इतलाक पाता है, उसकी उम्र लंबी है। अंग्रेजी मुहावरे के साथ इसको मिला दिया जाए तो फिर ठीक है, थिंक ऑफ द डेविल एंड देयर इज, और डेविल की उम्र बड़ी लंबी है, क्यामत तक छुट्टी हुई है। और अगली बात सूर्य कनाडा से कैमदी दोस्त ने अपने एक ज़ेर तबलीग दोस्त का सवाल वजाहत के लिए भिजवाया है, वो लिखते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र से कामयाब ज़िंदगी की क्या तारीफ़ है, किस शख्स को कामयाब करार दिया जा सकता है? कुरान करीम में बार बार उलाइका हुमुल मुफ्लिहून फरमाया है, अफलह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, तो कुरान करीम की उस सारी आयतें देख लें, उनमें सब मज़मून कामयाबी का
खोल कर बयान फरमा दिया गया है। आगे यरसलु अलैकुम शवाज़ुम मिन नार व नुहासन फला तंतसरान, तुम पर आग का शोला गिराया जाएगा और तांबा भी गिराया जाएगा, बस फबेजा अला रब्बिकुमा तुकज़िबान, बस तुम दोनों अब बताओ कि तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस का इनकार करोगे। ठीक है, तो ये नेमत का जिक्र है और साथ इससे पहले ये है तांबा बम होगा, सारी सूरत में ही हाँ जी नेमतों के जिक्र में उनके जहन्नम में डाले जाने का भी जिक्र है, उनकी बदामालियों का भी जिक्र है, सारा ये चल रहा है। और नेमत का इनकार के नतीजे में जो सज़ा मिलती है वो मजकूर होती है। फिर आइए आलाय रबे को मातु का ज़बान, तुम किन किन नेमतों का इनकार करके इन इन मुसीबतों में मुबतला हो गए। हर मुसीबत जिसका जिक्र है उसका ताल्लुक नाशुक्री से है और नेमत के इनकार से है। सूरत रहमान की 14वीं और 15वीं आयत में अब दोनों इकट्ठे बैठ के मुताले किए, कुरान शरीफ को सवाल इकट्ठे किए हैं, हैं ये इत्तफाकन इकट्ठे बैठ गए हैं, इसका उम्र लंबे होने से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा भाई, सूरह रहमान की 14वीं और 15वीं आयत में है कि इंसान मिट्टी से पैदा किया गया है और जिन शोला की आग से। तो इंसान मिट्टी से पैदा किया गया और जो जिन है वो शोला की आग से। ठीक है, तो हुज़ूर बस हमें ये तस्वीरें वगैरह वैसे जैसे आपने भी कहा था, जैसे कि आपने तशरीह की हुई है पहले कि जिन्नों से जिन से मुराद हमारी के कदावर लोग या इस किस्म के बड़े बड़े लोग जो हैं वो है। नहीं, मैंने एक तशरीह तो नहीं की हुई, मैंने तो कुरान करीम में जितनी जगह जिन के जिक्र आए हुए हैं उनके हवाले से अलग अलग तशरीह की हुई है जी, जो अरबी के लिहाज से ठीक बैठती है जी और मौका महल के मुताबिक है। जिन की एक तशरीह मैंने बैक्टीरिया भी की है जी, क्योंकि हज़रत इमाम राग़िब ने जिन की तारीफ़ एक बड़ी ऐसी साइंटिफिक की है कि जो अनएडिड आई से नंगी आँख से जो चीज़ दिखाई ना दे सके, और साइंटिफिक इस्लाम में कहते हैं अनएडिड आई, जिसके साथ खुर्दबीन या दूरबीन ना लगाई जाए, महज इंसानी आँख से जो चीज़ दिखाई ना दे मगर मौजूद हो उसको जिन कहते हैं। मसलन घने जंगलात में जहाँ नीचे उससे छुपी चीज़ें दिखाई न दें वो सब जिन हैं, और ढांपने वाली जन्नात हैं जो छुपा लेती हैं चीज़ों को, और सांप अक्सर जो छुप जाते हैं उनको भी जान कहा जाता है, जिन कहा जाता है। लोग जो बड़े हैं इसलिए कि वो अक्सर लोगों से अलग रहते हैं, तो आम आँख से जो रोज़मर्रा के तौर पर चीज़ें दिखाई ना दें उन सब के लिए लफ्ज़ जिन इस्तेमाल होता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि हड्डियों से इस्तंजा ना करो क्योंकि ये जिन्नों की खुराक है। अब कोई चीज़ भी ऐसी दिखाई नहीं देती थी जो हड्डियों से चिमटी हो उस वक्त, और रसूल सल्लम फरमाते हैं जिन्नों की खुराक है, और फिर ये ख़तरा भी कि वो नुकसान पहुँचाएँगे। तो जब बैक्टीरिया दरियाफ्त हुए तो अब पता चला कि हड्डियाँ जो रॉट कर रही हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया बैठे होते हैं, और अगर उनसे इस्तंजा किया जाए तो नंगी अंदर की जो झिल्लियाँ हैं उन तक अगर वो पहुँच जाए तो कई ख़तरनाक बीमारियाँ लग सकती हैं। तो रसूल सल्लम ने तो जिन की तारीफ़ में ख़ुद बैक्टीरिया को दाखिल कर लिया। ठीक है कि नहीं? अब बैक्टीरिया के मुतालिक साइंसदान ये कहते हैं कि इनकी तख्लीक का आगाज़ इंसान से पहले हुआ था। इंसानी तख्लीक से मुराद वो ज़िंदगी की किस्में जिनके आखिर पर इंसान पैदा हुआ है, और इससे पहले नबातात हों या हैवानात हों, इब्तदाई ज़िंदगी के जो खलिये बनाए गए वो उनको कहते हैं बायो यूनिट्स। बायो यूनिट पैदा होने से पहले जो मखलूक मौजूद थी वो बैक्टीरिया थे, समझ गए? इसलिए कबल का हिस्सा तो बिल्कुल वाज़ेह तय हो गया। मिन नार से क्या मुराद है? बायो यूनिट जब पैदा हुए हैं तो पहली दफ़ा रोशनी को एनर्जी में कन्वर्ट करने का निज़ाम कायम हुआ है। इससे पहले दो निज़ाम थे सिर्फ, एक था फर्मेंटेशन के ज़रिए
वो एनर्जी हासिल की जाए, यानी फर्मेंटेशन से मुराद है जब मसलन किसी जगह आप खमीर लगाएं तो उठ जाता है ना खमीर, उससे गर्मी पैदा होती है जी। तो चीज़ें जो गलती सड़ती हैं, जानवर गलते सड़ते हैं, उनसे भी खमीर उठता है, उनसे भी गर्मी पैदा होती है। तो वो भी इंसान से पहले समंदर में ये निज़ाम था कि फर्मेंटेशन के ज़रिए ज़िंदगी को गर्मी पहुंचाई जाती थी, वो गर्मी जज़ब करके तो अपने अंदर तवानाई में तब्दील, अंदरूनी तवानाई और फिर उसकी बदन की तामीर में उसको वो मुंतकिल कर लेती थी ज़िंदगी। और उससे पहले का जो दौर है, उस दौर में साइंसदान कहते हैं कि जो चीज़ें पैदा हुई हैं वो बराह रास्त गर्मी से ताकत लेती थीं, और उनमें एक बैक्टीरिया इस किस्म के हैं जिनका नाम ही उन्होंने पायरो बैक्टीरिया रखा हुआ है, या पायरोकॉकस बैक्टीरिया असल टेक्निकल नाम। तो पायरोकॉकस का मतलब है आग से ज़िंदगी हासिल करने वाला बैक्टीरिया, और वो इतने सख्त हीट में पलता है और वहीं उसकी नशोनुमा होती है कि आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सल्फर के जो चश्मे हैं उबलते हुए, शदीद गर्मी होती है उनमें, वो उसमें वो बैक्टीरिया पलता है। और वो जो मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पीट्स हैं वहाँ जब जल जाएं तो उनके कोयलों के जलने की जो लकीर है उससे वो गर्मी हासिल करता है। और समुंदर के नीचे जहाँ खौफनाक चश्मे उबल रहे हैं गर्म पानी के, वहाँ वो बैक्टीरिया मिलता है, और उसका जो दर्जा हरारत है जिस पर वो ज़िंदा रहता है उस पर दूसरा कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता, बल्कि वो बरहरास उससे गर्मी हासिल करता है। यानी 100 सेंटीग्रेड से ज़्यादा उबलता हुआ जो है ना, उससे ज़्यादा एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं पूरी तरह बयान नहीं, लेकिन वो दर्जा हरारत इतना है जैसे वो जलती हुई चीज़ जब सिंडर कोयला बन जाए जलता हुआ, तो उसके करीब करीब दर्जे हरारत पर ये पल रहा होता है और वहाँ से ताकत हासिल करता है। अब ये सवाल था कि बैक्टीरिया तो पहले हैं, क्या ये बैक्टीरिया सबसे पहले था? जो जदीद तरीन तहकीक है और वो बिल्कुल एक इनकलाबी है, उसमें उन लोगों ने जिनको तसव्वुर में भी नहीं था कि कुरान करीम में क्या कहा है, ये फैसला दिया है तहकीक के बाद कि सब किस्म के बैक्टीरिया में सबसे कदीम तरीन पायरोकॉकस बैक्टीरिया है, वो जो आग से बढ़ने वाला, आग से पलने वाला। अब बताएं कितनी गहरी बात कुरान करीम ने 1400 साल पहले लिख दी है कि हमने इंसान से पहले जिन को आग से पैदा किया था और जिन की तशरीह भी कर दी साथ, क्यों जी हो गई ना बात वाज़ेह जी। हमारे चॉइस सर, हुज़ूर मुख्तलिफ़ लोगों की तबीयतें अल्लाह ताला ने अलग-अलग बनाई हैं, बास बहुत नरम और धीमी होती हैं, बास में ज़रा इश्तियाल या तलखी पाई जाती है। तो जो इश्तियाल और तलखी वाली तबीयतें होती हैं उनसे ये तबन यानी कुदरती तौर पे बात जो होती है या फेल होता है उससे दूसरों को तो कुछ तकलीफ़ पहुंचती है, तो क्या ऐसी सूरत में इनको काबले सज़ा या मुआख़ज़ा करार दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि वो कुदरती तौर पे उनसे ऐसा होता है, वो लोग उनको छोड़ देते हैं, उनसे अलहदगी इख्तियार कर जाते हैं, वो तन्हा रह जाते हैं और अपने आग में खुद घुलते रहते हैं, उनके बीवी बच्चे उनके मुखालिफ हो जाते हैं, उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तो एक तभी कानून के ताबे उनको सज़ा मिलती है जहाँ उनके नाजायज़ गुस्से का कोई शिकार हो जाए, वहाँ कानून सज़ा देता है उसकी, और कानून को देनी चाहिए। इसलिए कुछ तभी सज़ाएँ हैं, कुछ कानूनी हैं, और जो दुनिया का कानून है, अगर ये ऐसे लोग अपने तैश में आके किसी को कत्ल कर दें, किसी को मार बैठें, हड्डियाँ तोड़ दें, तो कानून हरकत में आता है। इस वजह से तो नहीं इनको माफ़ कर देता कि तुम्हें गुस्सा बड़ा आता था। और इसी तरह खुदा का कानून जो है वो भी
मरने के बाद कार फरमा होगा? हजूर, गैर शौरी तौर पे, गैर इरादी तौर पे जो उनसे ये सब, गैर इरादी तौर पे तो अल्लाह बेहतर जानता है, तो अल्लाह ताला की तरफ मेरा इशारा था कि वो नहीं, अल्लाह ताला तो कहता है कि लाजुकल्लफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उसकी वुसअत का हमें इल्म ही नहीं, अल्लाह को तो इल्म है ना जी, तो वो नहीं सजा देगा किसी को जिसके अंदर वो मुतमिन हो कि ये गैर इरादी था, लेकिन कानून दुनिया का देगा, कानून इरादे की बहस में दाखिल नहीं हो सकता, उसको क्या पता कि इरादा क्या था अंदर से। ठीक है जी। सूरा सफ आयत 8 जो है उसमें है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा वहुवा युदा इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। इसमें हमारा जो है वो तो है ना कि ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपकी जमात पे ये चस्पा होती है ये आयत के इनको इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है, लेकिन एक गैरत जमात साहब थे वो कहते थे कि नहीं, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतलाक़ पाता है कि अल्लाह ताला उनको इस्लाम की तरफ बुलाता था, तो इसका अज़लम है फिर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जी, अल्लाह इस्लाम की तरफ बुलाता है जी, तो फिर तो रसूल सल्लम अज़लम सचमुच के नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अज़लम बन जाएंगे, यहाँ बुलाने वाले झूठे हैं और जो जिसको बुलाया जा रहा है वो सच्चा मुसलमान है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसके बुलाने वाले झूठे हों तो खुदा उनको नहीं पकड़ेगा उस शख्स को, लेकिन अगर बुलाने वाले सच्चे हों तो फिर वो बहुत ही बड़ा गुनहगार होगा, समझे? इसलिए रसूल सल्लम पर तो किसी तरह इतलाक हो ही नहीं सकती बात, ये इंसानी मामलात की बहस है। मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह कज़बन, यहाँ से शुरू होती है बात, वह हुआ युदा इलल इस्लाम, तो अल्लाह ताला पर इफ्तरा कर रहा है और अल्लाह उसे इस्लाम की तरफ बुला रहा है, तो इसका मतलब यह है कि खुदा के इलम में है कि मुफ्तरी है और मेरे इस्लाम की तरफ बुलाने के बावजूद मेरी तरह झूठ मनसूब कर रहा है। ये तो इतनी खबीसाना बात उस शख्स ने कही है कि अगर वो इस्तग़फ़ार ना करे तो मलून हो जाएगा, क्योंकि खुदा रसूल सल्लम को, यानी अगर खुद रसूल सल्लम पर आयत खुदा के हवाले से चस्पा की जाए नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो बनेगा कि अल्लाह फरमा रहा है कि नऊज़ बिल्लाह मिन, रसूल सल्लम से ज़्यादा मुफ्ती कौन हो सकता है जिसे मैं इस्लाम की तरफ बुला रहा हूँ और फिर भी मेरी तरफ इफ्तरा किया जा रहा है। इसलिए कोई तसव्वुर में भी नहीं आ, किसी शरीफ इंसान के तसव्वुर में भी ये बात नहीं आ सकती। आज तक किसी मौलवी ने भी ये बात नहीं कही, जो शदीद तरीन अहमदिया का दुश्मन है वो भी जानता है कि शदीद गुस्ताखी है अगर इस मज़मून को इन मानों में रसूलल्लाह पर चस्पा किया जाए कि खुदा बुलाने वाला है, खुदा पर तो इफ्तरा हो रहा है, बंदों ने पहचानना है, खुदा तो जानता है कौन मुफ्तरी है कौन नहीं है, बहस ही बंदों की हो रही है। मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़बन, अल कज़बा इन्होंने पढ़ा था, मुझे तो कज़बन याद है, अलल्लाहिल कज़बा, अल कज़बा है, अच्छा जी, इसीलिए मैं कहूं चेक करना चाहिए फोन बाद हुआ, अलल्लाहिल कज़बा, अलल्लाहिल कज़बा, अल कज़बा, मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़बा वहुवा युदा इलल इस्लाम, उससे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जो खुदा पर अल कज़ब, यहाँ इससे मुराद है कज़बन तो मैं कोई झूठ में, इसलिए मेरे दिमाग में कज़बन दिमाग में रह गया था, अच्छा हुआ आज इस्लाह हो गई इस बात की, अल कज़बा है इसका मतलब है कोई बड़ा झूठ, कोई ख़ास मामूरियत का झूठ, वरना हर झूठ बोलने वाले को अल्लाह नहीं पकड़ता, तो अल कज़बा में हर किस्म का कज़ब भी शामिल हो सकता है, मगर इस मौके पर गालिबन अल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये बताने के लिए कि उससे ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जो खुदा पर एक मुय्यन झूठ बांधे ताकि वो मामूर बन जाए। वह हुआ युदा इलल इस्लाम, बावजूद इसके वो झूठ बांधता चला जाए कि उसको इस्लाम की तरफ लोग दावत दे रहे हों, इस्लाम कबूल कर लो बाज आ जाओ,
ऐसा शख्स जो है वो कभी हिदायत नहीं पा सकता, खुदा उसको कभी कामयाब नहीं होने देगा। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर इसका इतलाक़ इन मानों में होता है कि अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खुदा पर अलखज़ब बांध रहे हैं, ख़ास झूठ बांध रहे हैं, और सारे लोग आपको इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, तो फिर आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अगली आयत का हिस्सा पढ़ें, क्या सज़ा मुकर्रर फरमाई है, वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। तो ज़ालिमों की कौम को खुदा हदायत नहीं देता, लेकिन अज़लम को तो किसी तरह छोड़ेगा ही नहीं, सबसे बड़ा जुल्म बांधने वाला हो उसको खुदा कैसे छोड़ देगा। तो मुराद ये अगर कोई शख्स ऐसा हो जो कर रहा हो, उसको बुलाया जा रहा हो, फिर भी अल्लाह उसकी तायीद फरमाए और उसको तरक्की दे, तो उसको झूठा कहने का किसी को कोई हक नहीं है, ये दलील है। ठीक है, ठीक है। जर्मनी से एक अहमदी खातून ने यह सवाल भेजा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में ख़ातमुल नबीयीन के अल्फाज आए हैं, हदीस में ख़ातमुल अंबिया के अल्फाज आए हैं। सवाल यह है कि गैर अहमदियों ने ख़त्म नबूवत की जो इस्तिलाह बनाई है, इसका माखज़ और पस मंज़र क्या है? ख़त्म नबूवत की इस्तिलाह एक तो है ना सरसरी इन मानों में कि नबूवत आपके आप पर दर्जे कमाल को पहुंच गई, इन मानों में तो जायज़ है। जहाँ तक मुझे याद है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इन मानों में ख़त्म नबूवत की इस्तिलाह इस्तेमाल फरमाई है, पुराने बुज़ुर्गों ने भी इस्तेमाल फरमाई है कि नबूवत को ख़त्म कर दिया, यानी उस मकाम तक पहुँच गए जहाँ नबूवत इंसान को पहुँचा सकती थी, आखिरी दर्जे कमाल को पहुँच गए नबूवत में। ये जायज़ है क्योंकि ये ख़ातमुन नबीयीन के मानों के ऐन मुताबिक है, लेकिन ये कहना जायज़ नहीं कि नबूवत को ख़त्म कर दिया, क्योंकि नबूवत को ख़त्म कर दिया जो है वो बहुत ही ख़तरनाक इस्तिलाह है, जिसका मतलब है अन नबी तमाम लोगों की, तमाम दुनिया के नबियों की नबूवतें ख़त्म कर दी, और इसमें आने वाले नहीं बल्कि गुज़श्ता शामिल होंगे, क्योंकि अन नबीन में वो मारूफ अम्बिया हैं और तमाम अम्बिया जो आपसे पहले गुजर गए, हर एक की नबूवत को ख़त्म कर डाला, तो आप नबूवत, मगर सिर्फ ये नहीं, अन नबीन के हवाले से नहीं, माफ़ करना, ख़ातम नबीन के हवाले से तो अन नबीन के दौर को ख़त्म करना जायज़ है। अम्र वाक़िया है कि आपसे पहले जितने नबी थे उनके दौर ख़त्म हो गया, लेकिन जब ख़ातम नबूवत कहा जाए तो मुराद है आपने नबूवत की जड़ें काट दी और नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया। अब किसका किया, सवाल ये है, जो पहले नबी थे वो तो नबूवत पा गए थे और अपने अपने दौर को मुकम्मल कर दिया, उनकी नबूवत उनकी ज़ात से ताल्लुक थी जो अल्लाह ने उनको बख्श दी, नबूवत कैसे ख़त्म की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो खुद नबूवत करते थे। जो शख्स नबूवत करता हो उसके मतलब ये कह देना कि इसने नबूवत ख़त्म कर दी है, ये बिल्कुल झूठ है, और ऐसी नबूवत करे जैसे पहले कभी किसी ने ना की हो। तो इन मानों में जहाँ ख़त्म के माने एक उसके मुनक़ते कर देने के हों, वहाँ ख़ातम व नबूवत की इस्तिलाह बिल्कुल लगव है और बेमानी है, क्योंकि इससे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रसूल सल्लम की नबूवत पर भी हमला होता है। दूसरे नबियों की ख़त्म करना और बात है, लेकिन नबूवत बहसियत नबूवत को ख़त्म कर देना, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतलाक़ पा ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो नबूवत के उन मानी पर भी फ़ायज़ थे जिन मानी का पहले अम्बिया को इल्म भी नहीं था, मसलन आलमी नबूवत। तो आपने तो नबूवत को यूं ऐसे मकाम तक पहुंचा दिया है कि वो फिर कभी ख़त्म ना हो, और फिर आपकी नबूवत क़यामत तक जारी, तो नबूवत कैसे ख़त्म कर दिया आपने?
बस याद रखें ख़त्म नबूवत की इस्तिलाह जहाँ भी अहले इल्म और आरिफ बिल्ला लोगों ने इस्तेमाल फरमाई है वहाँ ख़त्म नबूवत के माने ये मौलवियों वाला ख़त्म नहीं, जैसे हलवा ख़त्म कर दिया जाए या कुछ चीज़ कागज़ ख़त्म कर दी जाए, वहाँ ख़त्म से मुराद महज दर्जा कमाल तक पहुँचना है, उसके सिवा कोई माने नहीं बनते, समझिए। यानी आप पर नबूवत ख़त्म हो गई इन मानों में, या आपने नबूवत को इन मानों में ख़त्म कर दिया कि वो आखिरी मरतबा और मकाम जो नबूवत इंसान को पहुँचा सकती थी वहाँ तक हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम पहुँचा है, ठीक है। वजह हालात हो गई, अब आप संभाल लेंगे इस दोस्त को जिनसे बातें कर रहे हैं आप, वो ख्वातीन हैं, वो माफ़ कर लो, आप से इतनी ज़ोर ज़ोर से हिला रहे थे कि आपका ही सवाल था, उनको समझा दें, क्योंकि बिलमूम ख़त्म नबूत की इस्तिलाह तो कुरान में नहीं आती, कहीं नहीं फरमाया ख़ातम नबूवा नबूत को ख़त्म करने वाला, इसलिए कि ताकि गलतफहमी ना हो जाए, मगर मुख्तलिफ अहले इल्म लोगों का पहले भी और अब भी ये रुझान है कि लफ्ज़ ख़त्म नबूत को एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मगर वो ख़त्म नबूत मौलवियों वाली नहीं है, वो मुख्तलिफ ख़त्म नबूत है, ठीक है। हमारे हुज़ूर ये निज़ाम शमसी के सैारों के मतलब मौजूद तहक़ीक़ात बताती है कि सवाए ज़मीन के बाकी सैारे लॉक्ड या गालिबन कुछ लॉक्ड हैं, जबकि ज़मीन अपने महवर के गिर घूमती है जिससे रात दिन और वक्त का हिसाब होता है। क्या है, मुझे समझ नहीं आपकी बात की। ज़मीन अपने महवर के गिर घूमती है, सूरज के गिर घूमती है, दूसरे जो सैारे हैं चाँद वगैरह, इसके मतलब ये है कि लॉक्ड हैं, ये अपने महवर के गिर नहीं घूमती, इसलिए चांद का एक ख़ास सरफेस हमें नज़र आता है, ये नई तहकीक फौजी ने बताया। तो इसके मतलब ये है कि कुरान शरीफ में तो आता है हर एक चीज़ हरकत कर रही है, तो अगर ज़मीन महवर के गिर घूमती है और सूरज के गिर घूमती है तो दूसरे सैारे जो हैं वो क्यों लॉक्ड हैं, या लॉक्ड उनके मतलब तस्वर है। कुरान करीम ने एक बात जो पेश की है, अवल तो इस तहकीक को मैं दोबारा देखना चाहता हूँ खुद क्या मुराद है। ये मुराद तो हो सकती है मसलन कि सूरज चांद का जो चेहरा सूरज की तरफ है वो हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है, हैं, और जो ज़मीन की तरफ है वो ज़मीन की तरफ रहता है। ये तब भी मुमकिन है अगर वो इस तरह घूम रहा हो अपने गिर्द कि उसका जो घूमने का महवर है वो सूरज के सामने यानी उससे मुतवाजी हो बिल्कुल। मसलन एक चीज़ यहाँ है, अगर ये यूं घूम रही हो यूं, तो ये सूरज हो तो इसका पल्ला हिस्सा जो है वो हमेशा अंधेरे में रहेगा, इधर का इधर रहेगा, इसलिए लॉक्ड होने का क्या मतलब है ये मैं खुद देखना चाहता हूँ, समझ गए। क्या लॉक्ड से मुराद है कि वो स्टेशनरी हालत में हैं और उनमें कोई भी हरकत अपने महवर के गिर्द नहीं है, या ये मुराद है कि वो लॉक्ड इस तरह हुए हैं कि उनका एक चेहरा सूरज के सामने ही रहेगा, तो ये दो अलग अलग बातें हो जाती हैं, इसलिए कतई ये नहीं निकाला जा सकता वो घूम नहीं रहे। जहाँ तक मेरा इल्म है हर सितारे में कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद है, मगर कुरान करीम पर इसलिए इसका असर नहीं पड़ता, खा वो लॉक ही उनको कहें, कि कुरान करीम ने कहा है कि हर चीज़ मुतहर्रिक है एक बैजवी सूरत में, और वो हरकत इनको फिर भी नसीब है। जब वो ज़मीन के गिर्द घूमता है चाँद तो वो जो दौरी हरकत है वो तो फिर भी रहती है ना। तो मैं इस नुक्ता नगर से बात नहीं कर रहा कि नाउज़ बिल्ला कुरान करीम पर कोई हरफ पड़ता है, अगर लॉक उन मानों में भी हो जिनमें आपकी बेटी ने समझा है तब भी कुरान करीम के इस बयान पर कोई असर नहीं पड़ता कि कोई ज़मीन कायनात की चीज़ अपनी जगह खड़ी नहीं है, वो दूसरे सैारों के नस्बत के लिहाज से जब देखा जाएगा तो उसके फासले कहीं से कुछ हो रहे हैं कहीं से कुछ हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं। समझिए, हर जो गैलेक्सी वो भी घूम रही है, या इनकी हरकत इतनी आस्ता है कि वो मसलन नहीं, नहीं। आस्ता हो तो पता लग जाए साइंसदानों को, तो कोई ऐसी मुश्किल काम ही बात ही नहीं है। ये तो कती बात है
कि एक चेहरा जो चांद का सूरज की तरफ रहता है वो हमेशा सूरज की तरफ रहता है, और एक चेहरा जो ज़मीन की तरफ रहता है वो हमेशा ज़मीन की तरफ रहता है, समझ गए। लेकिन ज़मीन के जाविये से वो दिखाई देता है मुख्तलिफ वक्तों में, इसलिए ज़मीन कभी उस चेहरे को देखती है जो सूरज से पहली तरफ है, कभी उस चेहरे को देखती है जो सूरज की तरफ है, उससे रोशन है, ये मतलब बनेगा फिर इसका, वरना तो लॉक हो ही नहीं सकता। ये तो लाजमी बात है कि चांद ज़मीन के जब उस तरफ हो जो सूरज से मुकाबिल की तरफ है तो चांद का वो चेहरा ज़मीन देखेगी जो हर वक्त चांद के सामने सूरज के सामने है, वो घूम रहा है, उसने अपना चेहरा बराबर रखा हुआ, तो ये चेहरा अगर यूं रहेगा हर वक्त और सूरज यहाँ हो मसलन और ये ज़मीन बन गई, तो इस तरफ जब है तो वो सूरज की पूरी रोशनी उस पर पड़ रही है, ज़मीन उसको देख रही है, कभी जो मुड़ेगा तो थोड़ा होता जाएगा वो चेहरा, यहाँ तक कि उसका स्याह चेहरा आ जाएगा, एक दफ़ा सूरज के लिहाज से उसका मुँह उधर ही रहेगा मगर चूँकि ज़मीन इधर आ चुकी है इसलिए वो उसका काला चेहरा देखेगी यानी चांद नज़र नहीं आएगा, फिर जब घूमेगा तो फिर इस तरह एक काश दिखाई देगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता फर्क होगा। ये बात तो आम मारूफ मालूम बात है, मुझे इसमें समझ नहीं आया कि इसमें नई तहकीक की बहस क्या है। लॉक होना चेहरे का ये तो मारूफ है, बहुत से ऐसे सैारे और उनके गिर्द घूमने वाले हैं जो अपने चेहरे को एक हिस्से पर लॉक रख देते हैं, जिस चीज़ की तरफ घूम रहे हैं उसकी तरफ एक चेहरा जो है वो हमेशा वो एक किस्म का ताला बंद हो जाता है, मगर अंदरूनी हरकत की नफ़ी ये मेरे इल्म में अभी तक नहीं है, मैं तहकीक करूँगा। हजूर इस वक्त दुनिया में तालीम और साइंस ने बहुत तरक्की की है और इसके बावजूद ये जानते हुए कि ये तबाही के जो मसलन एटम बॉम्ब्स वगैरह ये बना लेते हैं और फिर बनाते जा रहे हैं आइंदा तबाही के लिए, और ये इनको इतना यानी कि तालीम याफ्ता हैं, तो इसका क्या सदभाव है, किससे? इसी वजह से कि तालीम याफ्ता हैं इसलिए बना रहे हैं, इनको पता है कि ना हमारा एतबार ना दुश्मन का एतबार, ये इल्म रखते हैं, इसलिए इंसान की जो बदखुल्की और बेतमादी है उसकी वजह से बन रहे हैं, उसकी जो बेतमादी है उसका इल्म है इन लोगों को, अपने आप को जानते हैं, हमारा भी कोई एतबार नहीं कर सकता, आज कुछ कल कुछ बेईमान लोग हैं, इसी तरह हमारे दुश्मनों का भी यही हाल है, तो क्यों ना हम तैयार रहें एहतियातन, ठीक है या नहीं? ये कि ये क्यों अब ये इन्होंने जब रशिया से ओपन हुआ सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ है, कहाँ ख़त्म हो गया आपको वहम है? नहीं मेरा मतलब कि ये जो ओपन हो गया आयरन कर्टन जो कहते थे वो उठ गया, मद्दे मुकाबल था इनके, तो अब ये इनको थ्रेट्स जो ख़त्म हो गए ये वेपन्स वगैरह बनाने के, तो ये क्यों जान ये फिर दुनिया में तबाही मसलन? किसने बताया कि ख़त्म हो गया? रशिया के अपने वेपन उसी तरह मौजूद हैं, वो इतने हैं कि कई सौ दफ़ा सारे अमरीका को बर्बाद कर सकते हैं, और दोनों के पास इतने हैं कि कई सौ दफ़ा सारी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, और फिर चाइना के वेपन्स कहाँ चले गए और नॉर्थ कोरिया के कहाँ चले गए? इसलिए ये वहम है कि ख़त्म हो गए, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ जी। उनके ऊपर कब्ज़ा नहीं हुआ कर सके ये रशियन जो आर्मरी है एटॉमिक आर्मरी, उस पर ये कब्ज़ा नहीं कर सके। आगे हजूर नमाज के बाद की दुआएं और कई एक वज़ाइफ जो हैं वो बताए जाते हैं या कुतुब में लिखे हैं, अगर उनको जिन ज़रूरियात के मुताबिक कहते हैं अगर उनको पढ़ा जाए सबको मिला के, तो जितना वक्त नमाज में सर्फ होता है तकरीबन उतना या उससे ज़्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ ये है कि फर्जी बात बनाई है जी, फर्जी बात बनाई है नहीं अच्छा हाँ
नमाज में, नमाज क्या पता नमाज में कितना वक्त खर्च होता है, बादों की नमाज में एक दो वक्त में घंटा लग जाता है, बादों की 5 मिनट में 10 नमाजें हो जाती हैं, तो डिपेंड करता है। और जिक्र इलाही की भी मुख्तलिफ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं, इसलिए कोई फार्मूला नहीं बन सकता। इसका ये जो आपका बेसिस बुनियाद है इतरा सवाल की जी, ये मुसल्लम ही नहीं है। आदमी आदमी में, नमाज में और जिक्र इलाही में फ़र्क है, और वक्त के तनासु में भी फ़र्क है, लेकिन इस पहलू से ये सवाल सिर्फ जायज़ ठहरेगा कि कुरान करीम ने हमेशा जिक्र इलाही में डूबे रहने की तालीम जो दी है, इस पहलू से इबाद नमाज का जो बाकायदा पाबंद जिक्र है, उससे निकलने के बावजूद जो जिक्र की हालत है वो नमाज के पाबंद जिक्र के मुकाबले पर ज़्यादा लंबी होती है। वजीफे की बहस नहीं हो रही, याद इलाही की बात हो जी, रही जी। फिर अब इस पे सवाल क्या है? सवाल हजूर ये था कि नमाज के अंदर जो हम ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, उसका दर्जा बहुत बुलंद है, और इस चीज़ पे जो टाइम लगाया जाता है वो क्यों ना नमाज के अंदर लगाया जाए, लेकिन इसमें कैसे नमाज पढ़ते हुए आप अपने आर्किटेक्चर ही नहीं कर सकते, लेकिन आर्किटेक्चर के दौरान जिक्र इलाही कर सकते हैं जी। इसलिए अगर सारा वक्त आप नमाज पे लगा देंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे? आपने कुछ कमाना है, कुछ अपने लिए, कुछ दुनिया के लिए, इसलिए नमाज का वक्त थोड़ा रख दिया है, जिक्र इलाही का आम कर दिया है। दस्त बाकार व दिल बयार, ये मुहावरा बन गया है, और वक्त ख़त्म हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम।